प्रणाम ज्येष्ठ पिताश्री। प्रणाम बड़ी माँ। आयुष्मान भव। आयुष्मान भव पुत्र। बधाई हो ज्येष्ठ पिताश्री, हमारा शांति अभियान सफल हो रहा है और आज तो बहुत ही बड़ी सफलता हाथ आई है बड़ी माँ। सिंधु देश ने भी हस्तिनापुर की मित्रता स्वीकार कर ली है ज्येष्ठ पिताश्री। ये तो बड़ा शुभ समाचार लाए हो पुत्र। इससे भी अधिक शुभ समाचार है ज्येष्ठ पिताश्री, अनुज भीम और अनुज अर्जुन ने इस सफलता के उपलक्ष्य में आप दोनों के लिए एक बहुत ही सुंदर उपहार भेजा है। उपहार? हमारे लिए? हाँ बड़ी माँ, आप दोनों के लिए। क्या उपहार है पुत्र, क्या तुम साथ लेकर आए हो? साथ तो नहीं लाए ज्येष्ठ पिताश्री, परंतु उपहार ऐसा है कि आपको उसके लिए कष्ट करना पड़ेगा। कष्ट? किंतु। हाँ ज्येष्ठ पिताश्री, आपको और बड़ी माँ को हमारे साथ राजमहल के द्वार तक चलना होगा। द्वार तक? हाँ बड़ी माँ, क्योंकि उपहार आपको राजमहल के द्वार पर ही मिलेगा। ऐसा कौन सा उपहार लाए हो पुत्र, जिसके लिए हमें राजभवन के द्वार तक चलना पड़ेगा? क्या बहुत बड़ा उपहार है पुत्र? हाँ बड़ी माँ, संसार में इससे बड़ा उपहार तो हो ही नहीं सकता। तो फिर चलो। आइए ज्येष्ठ पिताश्री, आइए बड़ी माँ। रुक क्यों गए पुत्र? द्वार आ गया ज्येष्ठ पिताश्री। आपका उपहार। पिताश्री, माताश्री, अरे पुत्र। प्रणाम केशव। आओ बहन। प्रणाम राधाश्री। आई श्रीमती भाव। आओ बहन। बड़ी माँ, यही है आपका उपहार, दुशल्ला। दुशल्ला? दुशल्ला? आयुष्मान मेरी बेटी दुशल्ला ही है। प्रणाम माताश्री। आयुष्मती बेटी, आयुष्मती, तुम सच कह रहे थे पुत्र, इससे बड़ा उपहार और क्या हो सकता है माता पिता के लिए। पुत्री का मिलन, वही तो सबसे बड़ा उपहार है। और फिर मेरी तो एक ही बेटी है। बहुत परसों बाद आई हो ना मायके। कैसे आती माताश्री? हस्तिनापुर और सिंधु देश में युद्ध खड़ा था और जब युद्ध समाप्त हुआ तो सब कुछ समाप्त हो गया। ये तो भ्राता अर्जुन और भ्राता भीम ने रिश्तों की टूटी हुई डोर को फिर से जोड़ दिया है, नहीं तो कदाचित मैं सारा जीवन मायके ना आ पाती। केशव स्वयं मुझे लेकर आए हैं। केशव, मैं किन शब्दों में तुम्हारा आभार प्रकट करूं? आभार किया हो तो अवश्य प्रकट कीजिए ज्येष्ठ पिताश्री, बेटी को माता पिता से मिलवाना तो बड़े पुण्य का कार्य होता है। आभारी तो मैं स्वयं हूं कि ये पुण्य कार्य करने का मुझे अवसर मिला। देखा अरे पुत्र, जिन्हें आप अपना नहीं समझते थे उन्होंने हमारे टूटे हुए परिवार को पुनः जोड़ दिया है। तुम ठीक कह रही हो गांधारी, पांडुपुत्र हमारे लिए वो कर रहे हैं जो स्वयं हमारे पुत्र न कर सके। चले ज्येष्ठ पिताश्री, भवन में चलते हैं, बहन दुशल्ला को भी यात्रा ने थका दिया होगा। हाँ। चले केशव, तुम भी विश्राम कर लो। विश्राम? विश्राम जैसी सुविधाएं विधाता ने हमारे भाग्य में लिखी ही कहां है बड़े भैया। आप लोगों को सुख मिल गया, मुझे शांति मिल गई, इसी में मेरा विश्राम हो गया। अब मुझे जाने की आज्ञा दे।
प्रणाम ज्येष्ठ पिताश्री, प्रणाम बड़ी माँ, प्रणाम बड़े भैया। प्रणाम केशव।